को जो जिसे कहते हैं आजकल टाउन विजिलेंटिज्म, कानून को अपने ऊपर लेना, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में एक जजमेंट दिया है हाल में कि किसी को ये हक नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लेना। तो मैं प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से सबसे अपील करता हूं कि ऐसे मौके पे आप लोकल पुलिस को बताएं, अननेसेसरी सिचुएशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करें। बाकी सब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे डीसीपी साहब ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे चीफ वेटनरी ऑफिसर साहब आए हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या है रूल्स, क्या रेगुलेशंस, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या है। ये सब हर साल होता है, इस बार भी होगा। और इस मीटिंग का सबसे बड़ा पर्पस, उद्देश्य यही है कि आज आप और हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर एक से हम लोग यहाँ आए हैं कि बकरीद एक बहुत ही सेलिब्रेशन का फेस्टिवल है, खुशी का मौका है। कुछ एक लोग अगर किसी भी इंटेंशन से अगर शरारत करने की कोशिश करेंगे तो हम और आप मिलकर उनको यह शरारत करने की छूट नहीं देंगे। ये बात करेंगे तो आने के लिए और यहाँ यह मौका देने के लिए आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सिटी पुलिस के तरफ से हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम ईच एंड एवरी होमगार्ड से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस, वी आर एट योर सर्विस 24 आवर्स। और जब भी किसी चीज की जरूरत हो, आप कभी भी डायल 100 करने से नहीं भूलें। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, हर दिन करीब 200 से लेकर 400 कॉल्स आते हैं डायल 100, और हमारे 130 पेट्रोल कार्स जो आपके सर्विसिंग में हैं, जो आपके लिए हैं, 5 से 10 आपके सर्विस में आपके पास हाजिर होंगे। ये बड़ा टाइम टेस्टेड मेथड है, टाइम टेस्टेड सिस्टम है, आप इस पर भरोसा कीजिए और हम लोग आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।